era visual. जिनको जाके लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है रावल रतन सिंह का, वो मैंने ये रोल लोगों के लिए ही किया है, बिकॉज़ इस फिल्म के अंदर जो हिंदुस्तान की डायनेस्टी थी, जो चित्तौड़ की डायनेस्टी थी, महारावल रतन सिंह ऐसे कैरेक्टर है जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, और मैं चाहता था कि हमारी देश की जनता जो है वो उनके सैक्रिफाइस के बारे में जाने. उनके सामने इतनी बड़ी एक आर्मी थी जो उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, उन्होंने कहीं अपना साहस नहीं खोया,
और उन्होंने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी. अब फिल्म रिलीज हो गई तो मैं बोल सकता हूँ. तो यस, कांग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू. शायद 3 दिन गुजर चुके हैं, अगर हम पेड प्रीव्यू की बात अलग करें, 86 करोड़ कलेक्शन, इज इट सेटिस्फाइंग फॉर यू? इट्स ओवरवेलमिंग. आई थिंक अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं देश के, बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर ठीक से फिल्म नहीं शुरुआत ले पाई है, और उसके बावजूद स्पेशली पहले एक दो दिन थे तब लोगों में बहुत डर था, यू नो, काफ़ी लोग थिएटर नहीं जा रहे थे. इसलिए अगर आप देखें जो पहले दिन फिल्म ने जितनी कलेक्शंस की उसके हिसाब से जब दूसरे दिन फिल्म ने पिकअप किया तो इट वेंट अप टू 32 क्रोर्स, विच इज़ अमेजिंग. इट्स अ ह्यूज नंबर. और बस यही मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोगों तक पहुँच पाए. अब ऑडियंस ये फिल्म देख चुकी है और ऑडियंस का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, जनता का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है. सब लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है, और इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हमारे राजपूत कम्युनिटी के लिए, चित्तौड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन शायद मुश्किल है. तो यू नो, जेन्युइनली संजय सर ने महारानी पद्मावती और रावल रतन, इनको ऑलमोस्ट भगवान की तरह मन में रखकर इस फिल्म को बनाया है और उनको एक श्रद्धांजलि दी है, और हम सब इसमें भागीदार हैं. तो मैं चाहता हूँ कि लोग जाके पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म देख पाएँ. और ऑलरेडी इतने कम स्टेट्स में रिलीज़ हुई है फिल्म, फिर भी इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है, दैट गोज़ टू शो कि फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला है. आई विश मैं उसको दिखा पाऊँ, अभी बहुत छोटी है, और शायद जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मुझे अभी तो लगता है वो 5-10 मिनट में मुझे ऐसे देख के लुक देगी कि चले अब घर चले, व्हाई आर वी हियर, बिकॉज़ वो टीवी भी कम ही देखती है. बट माय वाइफ एंड मी सॉ इट, नीरा और मैंने फिल्म साथ में देखी, और यू नो, उन्होंने एक साल मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बिकॉज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था अपनी जीवन का, एक साल ऐसे फिल्म में देना जहाँ पे लोगों को पता नहीं था मेरा रोल क्या होगा फिल्म के अंदर. लेकिन मैं चाहता था कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो लोग समझेंगे कि फिल्म का हीरो रावल रतन सिंह है, और जब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती तब तक उस पर बड़े सारे ख्याल थे, डाउट्स थे. और आप लोग देख रहे हैं आज चौथा दिन है और मैं चौथे दिन बाहर आया हूँ. मैं पहले दो दिन तीन दिन मैंने बिल्कुल बात नहीं की, बिकॉज़ मैं चाहता था कि पहले लोग इस फिल्म को देखें, मुझे पता चले उनका मेरे कैरेक्टर की तरफ और मेरे रोल की तरफ क्या नज़रिया है, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है, या जो भी मौका मुझे मिला है मैं उस पर सही बैठा हूँ. और जब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला इंडस्ट्री से, लोगों से, ट्विटर पे बहुत सारे मैसेजेस आए, कभी इतने मैसेजेस नहीं आए, कभी इतना प्यार नहीं मिला. और यू नो, मुझे ज़रूर ऐसा फील होता है कि जीवन में हर इंसान कभी ना कभी अंडरडॉग ज़रूर रहा होगा. यू नो, उसे हमेशा ऐसी सिचुएशन मिली होगी जहाँ उसे लगता है कि यार ये करना मुश्किल है, बट चैलेंज की तरह ले लेना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग बहुत पर्सनल लेवल पे मुझे वो प्यार दे रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट इट वॉज अ वेरी टफ फाइट फॉर मी टू डू दिस कैरेक्टर एंड प्ले दिस रोल इन दिस फिल्म, यू नो, एंड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल.